हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आए महात्मा ज्योतिबा फुले वेलकम यूनिवर्सिटी बरेली से। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट पोजीशंस, प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसी या आपका पीएमएससी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी एक नोटिफिकेशन आते हैं, उन सब के वीडियोज़ को मैं यहाँ पे रेगुलरली डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका सीएसआई जेआरएफ हो, चाहे आईसीएमआर जेआरएफ हो, चाहे डीबीटी जेआरएफ हो, गेट हो या बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नीट का एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो भी नॉब जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके आपको वीडियोज़ को रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पर। तो आपको यहाँ पे बस mjpru.ac.in जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है mjpru का कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स में वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2021, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप किस पे क्लिक करेंगे वैकेंसी ऑब्लिक रिक्रूटमेंट 2021 पे, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका जो है एडवर्टाइजमेंट दिया रखा है प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे देखिए ये सारी जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है और यहाँ पे जो है आपको लाइक लेवल 10 का जो है ग्रेड पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो लाइक डिपार्टमेंट हो या सब्जेक्ट की कहाँ कहाँ वैकेंसी निकाली है। तो देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सबके लिए वैकेंसी निकली है, चाहे आपका लाइक साइंस बैकग्राउंड का हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी हो। नहीं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी भी आप मैंसन कर रखा है, कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, तो आपको जिस कैटेगरी में आप जो है फॉल करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है अलॉन्ग विद योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है मार्कशीट जो भी है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, और आपके पास नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट वो भी आपको करना है, और अगर आपके पब्लिकेशन है तो उसका फर्स्ट कॉपी आप जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और आपका हार्ड कॉपी जो है ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का विद ऑल योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल इज शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 243006 बिफोर 8 अक्टूबर। तो लास्ट डेट 8 अक्टूबर आपकी हार्ड कॉपी रिसीव होने की। तो हम बात करें एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल एंड क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो एज पर यूनिवर्सिटी एक्ट या UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगी। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी है 1500 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व OBC कैटेगरी के लिए, और EW और लाइक अनरिजर्व OBC एंड EWS के लिए 1500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना हो, हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे सेंड करना ही करना है। ठीक है, इसलिए आप अपना हार्ड कॉपी जो है अच्छे से सेंड करिए, स्पीड पोस्ट करिए, ताकि आपका जो हार्ड कॉपी हो टाइम पे पहुँच जाए और मिस होने का चांस जो है कम हो जाए। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। चाहे अगर आप OBC SC ST या EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा, तभी आप अपना जो इस कैटेगरी में एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप हाँ देख लीजिए हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का। सेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो सेम लाइक जो भी लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, सेम प्रोसेस जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो यहाँ पे लेवल 13A का ग्रेड का आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021 इन्होंने मैंसन कर रखी है ऑनलाइन सबमिट करने की, और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पहुँचने की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं अप्लाइड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी हैं, साइंस सब्जेक्ट भी हैं, और जो नॉन साइंस सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे क्लियरली जो है मेंशन कर रखा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेम फी है 1500 फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए, 1000 फॉर SC ST कैटेगरी के लिए। बाकी सारी जो चीज़ें वो सारी सेम है जो मैंने आपको जो है ऑलरेडी जो है आपके साथ डिस्कस कर ली है।
अब हम देख लेते हैं प्रोफेसर की वैकेंसी। तो यहाँ के जैसे ही आप प्रोफेसर की वैकेंसी पे क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो यहाँ पर भी आपका जो प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो 14 रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो लाइक पे ग्रेड है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो कि असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया और सारी चीज़ें। तो असिस्टेंट एसोसिएट एंड लाइक प्रोफेसर के लिए जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपका डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबके लिए सिमिलर ही हैं पॉइंट्स। तो अब हम देख लेते हैं गाइडलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी पोस्ट हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सी पोस्ट इन्होंने निकाली है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन की पोस्ट भी निकाली गई है, ठीक है। तो अगर आप जो है लाइब्रेरियन में आपने एमए किया है या आपके पास जो है लाइब्रेरियन के रिलेटेड जो भी आपके एलिजिबिलिटी आपने फुलफिल कर रखी, तो आप जो लाइब्रेरियन डेप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो लाइक गाइडलाइंस है या हम बोल सकते हैं जो डिटेल्स है पोस्ट की, वो सारी जो है इन्होंने मैंसन कर रखी है, तो यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है। तो आप जब भी इसके लिए अप्लाई करें तो आप ये सारे पॉइंट जो अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो है अप्लाई करते समय आपको कोई भी डाउट ना आए। तो आप देख लीजिए हम गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन, जैसे आप गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो हम गाइडलाइन अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 30 सितंबर है। तो सारे के लिए, चाहे आप लाइब्रेरियन के अप्लाई कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 30 सितंबर जो है लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की, और हार्ड कॉपी पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर 2021 है। प्रोफेसर लाइब्रेरियन का जो ब्रेक ग्रेड स्केल है लेवल 14 रहेगा, एसोसिएट प्रोफेसर डेप्यूटी लाइब्रेरियन का लेवल 13 है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का लेवल 10 है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन पेस के अदर कंडीशन जो रहेगी वो एज पर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपके जो भी डाउट है या वो आपके क्लियर हो गए। ऑलरेडी एप्लीकेशन फी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेगा कि 1500 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वहीं आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, 1000 रुपीज़, ठीक है। और आप यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरी वाइज जो भी आपको कोटा दिया जाएगा वो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5% जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सब चार चीज़ें जो हैं आप वो देख सकते हैं, ताकि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ये सारा डिटेल जो है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिए कि कौन से आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। ये कॉल लेटर टू अटेंड द इंटरव्यू विल बी सेंड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाई ईमेल ओनली, ठीक है। देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई थिंक मे बी दे कैन कीप एंट्रेंस एग्जामिनेशन आल्सो, और अगर नहीं लेते हैं तो मे बी वो एपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ठीक है। वो भी पूरा डिटेल दे रखा होगा इन्होंने, तो स्क्रॉल डाउन करने पे आप वो भी देख लेते हैं। देखिए स्पीड पोस्ट आप करिए, रजिस्टर्ड पोस्ट करिए, तो इन्होंने यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट दे रखा है, तो आपको जस्ट इस फॉर्मेट को काट के जो है आप डायरेक्टली जो है इसे अपने एनवेलप पे चिपका सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे भेज सकते हैं अपना कि आप कहाँ से भेज रहे हैं और कहाँ जाना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर मस्ट है, पोस्ट और सब्जेक्ट भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज आपका सर जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपकी जॉब भी है वो नहीं लग सकती है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर के लिए दे रखा है, तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये जरूर आप देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो ये है मेथडोलॉजी है, इन्होंने देखिए मेंशन करा कि एपीआई इंडेक्स के बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोफेसर के लिए अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट। तो ये भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो है वो आपका जो है एपीआई इंडेक्स के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने देखिए क्लियरली यहाँ पे बोल रखा कि आपका एपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ साइंस ये जो है ये आपका आई थिंक मे बी प्रोफेसर के लिए होगा कि 8 पर पेपर, ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आई थिंक आपको मे बी एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का देखने को मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आपका जो
लाइक यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो आपका एपीआई इंडेक्स की बेस पे ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पे जैसे एपीआई इंडेक्स में आपका ग्रेजुएशन से लेके आपका लाइक कि अंडर ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, फिर पीएचडी, तो इन ये सब लेके जो है आपका लाइक एपीआई इंडेक्स बनाया जाएगा, उसकी बेस पर ही आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आपका यूजी में कितना मार्क्स आया, 70 to 80% में कितना पॉइंट मिलेगा, पीजी में अगर आपके पास जेआरएफ है, जेआरएफ प्लस नेट है तो आपको 7 मार्क्स, या आपके पास कोई स्कॉलरशिप है तो आपको 3 मार्क्स, तो इस टाइप में जो है आपका एपीआई इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा। या आपके रिसर्च आर्टिकल कितने हैं, 2 मार्क्स तो 5 हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, तो इस टाइप में आपका जो है एपीआई इंडेक्स बनाया जाएगा और एक कट ऑफ जारी की जाएगी, और उस कट ऑफ में अगर आपका जो एपीआई इंडेक्स फॉल करता है तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।